माय चैनल वी स्कूल इंग्लिश फॉर स्टडीज। तो अज मैं तुहाडे नाल गल करांगी किद्दां फॉलोअप्स नूं आपां एक्सपैंड करके उन्हां दी लेंथ नूं इनक्रीज कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज पर्सनल एग्जाम्पल। जो तुहानूं लगे कि फॉलोअप विच उहदी लेंथ नहीं इनक्रीज हो रही या तुहानूं कोई भी आइडिया या कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा, तो उस टाइम तुसीं अपनी पर्सनल एग्जाम्पल यूज करके उहदी लेंथ पूरी कवरअप कर सकते हो। द नैक्सट वन इज टाइम। टाइम विच की हुंदा है, लाइक आपां एग्जाम्पल लैंदे आ टैक्नोलॉजी दी, टैक्नोलॉजी विच तुसीं की कर सकदे हो, इहनूं प्रेजेंट नाल कंपेयर कर सकदे हो, उहनूं फ्यूचर नाल कंपेयर कर सकदे हो एंड उहनूं पास्ट नाल कंपेयर कर सकदे हो। प्रेजेंट विच आ सकदे हो कि किद्दां टैक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, पास्ट विच किद्दां टैक्नोलॉजी दी बहुत कमी सीगी एंड फ्यूचर विच किद्दां होर ज़्यादा एडवांस हो सकदा है, होर किद्दां ज़्यादा डेवलप हो सकदा है। इहदे नाल तुसीं प्रोपर कवर लेंथ कर सकदे हो। एंड द थर्ड वन इज जेंडर। जेंडर आपां कैसे यूज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन इदा के होंगे ने कि आपां टेस्ट प्रेफरेंस रिगार्डिंग होंगे ने, तो आपां सबनों पता है कि मेल के रिगार्डिंग अलग तो टेस्ट उन्होंने प्रेफरेंस होंगे ने। अगर फीमेल की गल करिए तो उन्होंने अपने प्रेफरेंस, अपने चॉइसिस, अपने टेस्ट होंगे ने। अगर आप दोनों का कंपेरिजन कर दिए कि मेल ये चीज़ प्रैफर करेंगे और फीमेल ये चीज़ प्रैफर करेंगे, तो इस तरीके आप पूरी की पूरी लेंथ कवरअप कर सकते हैं और अपनी वो स्ट्रेंथ भी की है इनक्रीज कर सकते हैं। द नैक्सट वन इज एज। कई बार क्वेश्चन यही सेम टू सेम प्रेफरेंस और टेस्ट रिगार्डिंग आते हैं, तो उस टाइम आप कर सकते हैं कंपेरिजन कर सकते हैं किदा भी चिल्ड्रन की करते हैं, यंग एज की किदा करते हैं, तो ओल्ड पीपल किदा करते हैं। चिल्ड्रन के अलग तो अलग टेस्ट होंगे ने, यंग एज के अलग प्रेफरेंस होंगे ने, ठीक है, एंड ओल्ड पीपल के अलग प्रेफरेंस होंगे। ईवन कि कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है यंग एज और ओल्ड पीपल का कंपेरिजन आ जाता है, तो आप बहुत अच्छी एग्जाम्पल पा गए कि यंग एज इदा करते रहे तो ओल्ड एज इदा करते हैं। इस तरीके आप कंपेरिजन करके आप की कर सकते हैं फॉलोअप्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। एक होर की होंगे सिचुएशन पा सकते हैं किसी भी, अगर इफ वाला सेंटेंस यूज करते हो जिम्मे राइटिंग मड्यूल करते हो, उदी कोई भी सिचुएशन पा सकते हो, इफ ला के दैन पा के भी लेंथ और पूरी कवरअप हो जाए। एक न्यू टिप्स जिसे फॉलोअप यूज करके अपने बैंड एनहांस कर सकते हो। अक्सर आई स्टूडेंट्स की करते हैं इंट्रोडक्शन विच एज आई टोल्ड अर्लीयर इन प्रीवियस क्वेश्चन, एज आई टोल्ड अर्लीयर इन प्रीवियस आंसर, ए लाइनस यूज करके की करते हैं अपनी लैक ऑफ आइडिया शो करते हैं। यदा एग्जामिनर की शो होंगे कि वह अपने आइडियाज की कर रहे हैं, रिपीट कर रहा है। लाइक आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बोलता वह जो भी आइडिया है, अगर आप नैक्सट क्वेश्चन में बोलते हैं तो वह की होंगे कि अपने आइडियाज की रिपीट हो रहे हैं। और ही अगर लेकिन आप फॉलोअप विच यूज करते हैं तो प्लस पॉइंट मिलता है। किदा लाइक कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन यूज कर लिया तो आप कह एज आई टोल्ड अर्लीयर इन प्रीवियस टॉपिक, एज आई टोल्ड अर्लीयर इन टॉपिक, उत्थे क्यू कार्ड नहीं टॉपिक बोलिया जाता है। अगर आप फॉलोअप्स नूं क्यू कार्ड नाल रिलेट कर दिए तो वह एक प्लस पॉइंट बनता है। क्यों? क्योंकि फॉलोअप्स रिगार्डिंग कितने होंगे ने, फॉलोअप्स ऑलमोस्ट क्यू कार्ड रिगार्डिंग होंगे ने, तो अगर आप अपना आंसर विच फॉलोअप्स नूं क्यू कार्ड रिलेट कर दिए तो उहदे नाल प्लस पॉइंट मिलता है, तो इहदे नाल तुहाडे बैंड एनहांस हो सकते हैं। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।